2019 में जब CA यानी नागरिकता संशोधन कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, उस वक्त इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों तक आंदोलन हुआ, सांप्रदायिक तनाव भी भड़का। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी CAA को NRC से जोड़कर देखे जाने की राजनीति। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी नागरिकों की लिस्ट। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताजा इंटरव्यू में इन तमाम मुद्दों पर संशय के बादल दूर किए। इस बार सिर्फ असम और ट्राइबल इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्राइबल इलाकों की शंका भी इस इंटरव्यू में दूर की। सुनिए CA और NRC के कनेक्शन पर क्या बोले अमित शाह। अमित भाई, वो आपका एक वो इंटरव्यू बार बार लूप पे चल रहा है हर जगह कि क्रोनोलॉजी समझिए, CA के बाद NRC आएगा। देखिए, ऐसा है स्मिता जी, CA का कानून अभी चर्चा पर है। एक, इसमें NRC का कोई प्रोविजन नहीं है। दो, इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। तीन, अगर विपक्ष को ये चाहिए कि उनसे चर्चा हो तो कोई भी कानून करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा होती ही है। तो दोनों को मिक्सअप कर आप क्या लेना चाहते हो? अभी सिर्फ CA चर्चा में है। असम में CAA लागू होगा या नहीं होगा, और NRC और CA, ये इनका क्रॉसिंग है कि नहीं इंटर? देखिए, असम में जो NRC की ऑर्डर हुए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसका CA से कोई लेन देन नहीं है। आसाम नहीं, देश के हर हिस्से में CA लागू होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य जहाँ पर दो प्रकार के विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं, वो विशेषाधिकार के तहत जो राज्य आते हैं उनको ही CA नहीं होगा। एक इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है और संविधान की 6th अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। हाँ, वो जो सिक्स शेड्यूल में वो असम के कुछ, सॉरी, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल के कुछ इलाके आते हैं उसमें, वहाँ नहीं लागू होगा, बाकी सब जगह लागू होगा। पर लोग नहीं जानते ना, क्योंकि कुछ साल वो यहाँ हैं कुछ साल, और जो ट्राइबल इलाके हैं उनका जो कॉम्पोजिशन है वो बदलेगा नहीं CA की वजह से? जरा भी नहीं बदलेगा। ट्राइबल कॉम्पोजिशन और उनके अधिकार को हम जरा भी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हमने एक्ट में ही प्रोविजन कर दिया है कि जहां पर भी इनर लाइन परमिट है और जहां संविधान की 6th सूची में जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं, इन पर वहां पर CAA नहीं लागू होगा। और वहां के एड्रेस वाला एप्लीकेशन भी ऐप में अपलोड ही नहीं होता है, तो लागू होने का सवाल ही नहीं आता है। और एक्ट में ही प्रोविजन है, मगर हमने एप्लीकेशन में भी वो एरिया को एक्सक्लूड कर दिया है। कोई अप्लाई करेगा भी वो वहां से तो नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। पर वो कहीं और जाके अप्लाई कर सकता है ना? तो वो भारत के नागरिक तो बन ही सकते हैं। हाँ, अच्छा, ओके। वो संविधान की 6th अनुसूची में सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते। इनर लाइन परमिट से सुरक्षित क्षेत्रों के नागरिक नहीं बन सकते, वो भारत के नागरिक बन ही सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि CA को किसी और कानून से जोड़कर न देखा जाए। टाइम्स नाउ द भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।